हरियाणा की 8 लोकसभा सीटों में से 7 पर अपनी पसंद के उम्मीदवार घोषित करवाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान में अपनी मजबूत पकड़ का एहसास तो करा ही दिया है। साथ ही राज्य में हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखने वाली कुमारी सैलजा, रणदीप सुरेजवाला को किरण चौधरी गुट को तगड़ा झटका दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी को टिकट दिलवाकर और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व सांसद ब्रजेश सिंह का टिकट कटवाकर यह साफ कर दिया कि इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी हुड्डा की चलने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार का टिकट आवंटन कराने में बड़ा खेल कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा रोहतक में अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिलवाकर ये संदेश देने में कामयाब रहे कि कांग्रेस में उनके बेटे की भविष्य की राजनीति के सरताज है, यानी विधानसभा चुनाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कांग्रेस हाईकमान हालांकि नहीं चाहता था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर रिस्क लिया जाए। कांग्रेस वहां मौजूद राज्यसभा सांसद है, यदि दीपेंद्र चुनाव जीतते हैं तो कांग्रेस की राज्यसभा की एक सीट खराब हो जाएगी। लेकिन हुड्डा ने सीट की परवाह नहीं की और भविष्य की राजनीति को देखते हुए अपने बेटे को वो लोकसभा का टिकट दिलाने में कामयाब हो गए। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देकर कांग्रेस ने ब्राह्मणों का भरोसा जीतने की कोशिश की है। हुड्डा ने करनाल और सोनीपत में पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के नाम की भी लॉबिंग की है, मगर पार्टी कुलदीप को टिकट देने के लिए राजी नहीं हो पाई है। सोनीपत में वीरेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ में किरण चौधरी की बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी का टिकट कटवाकर हुड्डा ने एसआर के गुट को बड़ा झटका दिया। पिछले कई दिनों से किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए टिकट की लॉबिंग कर रही थी। एसआर के गुट भी श्रुति चौधरी की टिकट के लिए अड़ा हुआ है। वहीं फरीदाबाद लोकसभा से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिला। वहीं इस टिकट पर करण सिंह की दावेदारी मजबूत थी। करण सिंह को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थकों में नाराजगी बढ़ सकती है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। गुरुग्राम में हुड्डा गुट फिल्म अभिनेता राज बब्बर को टिकट दिलाना चाहता है। राज बब्बर के अलावा हुड्डा गुट की तरफ से रावदान सिंह, जितेंद्र भारद्वाज, चौधरी आफताब अहमद के नाम भी पैनल में भेजे गए थे। लेकिन जब राज बब्बर को चुनाव लड़वाने की बारी आई तो हुड्डा ने उनके सामने बाकी सभी नाम हटा लिए। राज बब्बर का नाम सामने आने के बाद पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव सक्रिय हो गए। इससे पहले उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राज बब्बर के आने से उन्हें लगा कि भविष्य में कांग्रेस की तरफ उनके और उनके विधायक बेटे चिरंजीव राव की टिकट के रास्ते बंद हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने राज बब्बर का पूरी मुखरता के साथ विरोध किया, जिस कारण कांग्रेस हाईकमान को गुरुग्राम की सीट खाली रखनी पड़ गई।